MIUI 10 Android Pie on Poco F1 Phone। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास आज पोको F1 का फ़ोन है और इसके अंदर हमने जो एंड्रॉइड पाई का जो रोम है जो MIUI 10 के ऊपर बेस्ड है उसको इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं उसी के थोड़े से फीचर्स बताऊंगा कि क्या फर्स्ट लुक है, क्या क्या चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये वो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि MIUI 10 का जो एंड्रॉइड पाई का वर्जन जो आने वाला है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ कि जो हमारा जो फ़ोन है, वैसे आप देख पा रहे होंगे ये पोको F1 फ़ोन है, ठीक है, बट इसके अंदर जो हमने जो MIUI 8 जो फ़ोन है उसका जो एंड्रॉइड पाई वर्जन जो है ऑलरेडी रिलीज्ड हो चुका है MIUI 10 का, और उसको जो पोर्ट है वो MIUI 8 का जो पोर्ट है वो पोको F1 फ़ोन के लिए आ रखा है, तो वो हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे डिवाइस नेम MI फ़ोन लिखा है, मॉडल नंबर यहाँ पे MIUI 8 लिखा है क्योंकि MIUI 8 का ये पोर्ट है जो कि एंड्रॉइड पाई के ऊपर रन कर रहा है। ये देखिए एंड्रॉइड वर्जन 9, इसको मैं टैप करता हूँ, ये देखिए आपको पाई का देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड पाई का जो लोगो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है इसमें 5th of September 2018 का आता है जो कि लेटेस्ट है, और ये जो MI वर्जन है MIUI 10 ग्लोबल 8.9.20 बेटा वर्जन है, ये जो ऑलरेडी जो है MIUI 8 का जो फ़ोन है उसके लिए ऑफिशियली रिलीज हो चुका है जो कि एंड्रॉइड पाई पे रन कर रहा है। तो ये तो बात हो गई कि एंड्रॉइड पाई का जो रोम है वो हमने इंस्टॉल कर लिया, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आपके सामने दिखा दिया आपको सारी चीज़ें। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि पोर्ट जो है पूरा किस तरीके से पोको F1 के लिए नहीं है, ये MIUI 8 का है, तो इसके अंदर लॉन्चर भी आपको MIUI 10 का ही मिलेगा, आपको पोको का लॉन्चर इसमें अभी देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके जो 3D इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, जो आप देखें क्लोज होते हैं जब ये आइकन्स, तो आपको एक 3D इफेक्ट देखने को मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, कैमरा वगैरह ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। जो अभी मुझे इसके अंदर जो अभी मैंने प्रॉब्लम देखी है वो कॉलिंग के टाइम पर क्या है, स्पीकर जो है काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप किसी से कॉल कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो ईयरफोन के जो ईयर पीसेस होते हैं इसमें साउंड नहीं आ रही है, ना ही स्पीकर में साउंड आ रही है। तो ये अभी इसके अंदर प्रॉब्लम शो हो रही है, फर्स्ट जो पोर्ट अभी निकला है, मे बी आने वाले टाइम पे जो कुछ नए पोर्ट्स आएंगे उनमें ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। जो बेंचमार्क स्कोर मिला है वो उसको उतना ही मिला है जो MIUI 10 के मोस्टली ओरियो रोम पे आपको देखने को मिला है, 28 रख के अराउंड वही अभी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली है। अगर आप सोचेंगे कि आपको एंड्रॉइड पाई जैसे काफ़ी सारी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे डिजिटल वेलबींग हो गया या बैटरी मैनेजर हो गया ऐसा कुछ, तो वैसा अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो लुक है पूरा एंड्रॉइड ओरियो के जो बेस्ड MIUI 10 था उसी का देखने को मिलता है। सारे फीचर्स आपको वही देखने को मिलते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन, पासवर्ड, नोटिफिकेशन, स्टेटस बार, होम स्क्रीन, रीसेंट, फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह सारा मिल जाता है आपको इसमें। फिंगरप्रिंट और फेस डाटा जो है बहुत ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं चेक करके देखा है सारी चीज़ें ठीक तरीके से काम कर रही है। सिर्फ कॉलिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कॉल नहीं कर, कॉल कनेक्ट हो रही है बट आपको साउंड नहीं आ रही है उसके अंदर। मैं आपको कॉल कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए हमने कॉल कनेक्ट कर दिया है और स्पीकर पर फ़ोन डाल दिया है और जो फ़ोन जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये देखिए स्पीकर भी ऑन है, वॉल्यूम भी मैं पूरी करके दिखाता हूँ आपको साउंड, ये देखिए कोई साउंड नहीं आ रही है। तो ये इसके अंदर अभी इशू देखने को मिल रहा है कि आपको साउंड देखने को नहीं मिल रही है इसके अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है। अब बात करते हैं कि उसमें और क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया आपको एंड्रॉइड पाई के पूरे फीचर्स में देखने को नहीं मिलेंगे, मे बी आने वाले अपडेट्स के अंदर यानी कि 2-3 महीने के अंदर कुछ आपको नई चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं, बट जो अभी MIUI 8 के लिए ऑफिशियल एंड्रॉइड पाई आया है उसके अंदर आपको एंड्रॉइड पाई के कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे डिजिटल वेलबींग वगैरह हो गया, कुछ नहीं देखने मिलता है। पबजी वगैरह गेम वगैरह सारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। मैं लॉक स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको एक लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है जो इस तरीके, इसको लाइव वॉलपेपर से नहीं बोलते, एक एनिमेटेड स्क्रीन बोल सकते हैं थोड़ी सी, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और थोड़ी देर में स्टॉप हो जाती है एक एनिमेशन का लुक देखिए। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मैं फिंगरप्रिंट से इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तो यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। वाईफाई फोन्स वगैरह सब ठीक तरीके से काम कर रहा है, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिंग नहीं हो रही है, फ़ोन की कनेक्टिंग हो जा रही है पर साउंड नहीं आ रही है। पबजी गेम जो है इसके अंदर आपको अल्ट्रा मोड पे काम कर रहा है और साथ ही साथ खेलने में कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा और ना हीट में कोई प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पबजी का ग्राफिक पेज कि आपको उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेमवर्क आप अल्ट्रा तक खेल सकते हैं इसके अंदर और ग्राफिक्स की सेटिंग जो है आप HDR तक खेल सकते हैं, अल्ट्रा HD के ऊपर आप गेम को नहीं खेल पा रहे हैं पबजी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमने जो है इसको इंस्टॉल कर लिया, बट मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कैसे इंस्टॉल करना है क्योंकि कॉलिंग हो ही नहीं रही है, आप कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे
किसी से बात नहीं कर पाएंगे, उनके वॉइस सुन नहीं पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी इसको टेस्ट करने का। तो जब कोई स्टेबल वर्जन आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। अभी तो बस मैंने आपको छोटा सा एक फर्स्ट लुक दिया है कि MIUI 10 का जो एंड्रॉयड पाई है वो कैसा देखने में लगता है और Poco F1 में क्या कैसे वो काम कर रहा है। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि Poco F1 के यूज़र्स को पता चल पाए कि जल्दी ही उनको MIUI 10 का एंड्रॉयड पाई मिल सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सारे ऐसे Poco रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।